गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वी आर कंटिन्यूइंग अ सीरीज ऑफ यूपीएससी होम्योपैथी एमओ पेपर 2016। क्वेश्चन नंबर 101 है, विच मेडिसिन शुड बी प्रिजर्व अंडर वाटर इन विच इट इज इनसॉल्यूबल बिकॉज इट इज इन्फ्लामेबल इन द एयर। ऐसी कौन सी मेडिसिन है जिसको पानी में प्रिजर्व किया जाता है क्योंकि वो पानी में इनसॉल्यूबल है जबकि एयर में इन्फ्लामेबल है। ऑप्शंस हैं ए ग्लूनाइन, बी फॉस्फोरस, सी कॉस्टिकम, डी फ्लोरिक एसिड। द राइट आंसर इज बी फॉस्फोरस। क्वेश्चन नंबर 102, रूल ऑफ 9 एडवोकेटेड बाय वेलेस इज यूज इन द प्रोग्नोसिस ऑफ ए एस्फिक्सिया, ड्राउनिंग, बर्न, गैगिंग। राइट आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 103, सैटरडे नाइट पाल्सी अकर इन टॉक्सिक पॉइजनिंग बाय ए अल्कोहल, बी ओपियम, सी कार्बोलिक एसिड, डी लेड। द राइट आंसर इज ए अल्कोहल। 104, ब्यूटोनिन 9 इज सीन इन पॉइजनिंग ड्यू टू ए ओपियम, बी मर्करी, सी आर्सेनिक, डी लेड। द राइट आंसर इज डी लेड। क्वेश्चन नंबर 105, इन विच वन ऑफ द पॉइजनिंग इज देयर येलोइश डिसकलरेशन ऑफ स्किन पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन। इनमें नीचे दिए गए ऑप्शंस में से किसकी पॉइजनिंग पे येलो डिस्कलरेशन स्किन का हो जाता है पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन पे? सल्फ्यूरिक एसिड, आर्सेनिक, नाइट्रिक एसिड, मर्क्यूरियल पॉइजनिंग, किसकी पॉइजनिंग पे? द राइट आंसर इज सी, नाइट्रिक एसिड पॉइजनिंग। क्वेश्चन नंबर 106, द केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द थेरेपेटिक एक्शन इज कॉल्ड। जो भी हमारी मेडिसिन है उनका कोई ना कोई थेरेपेटिक एक्शन है, वो किस कॉन्स्टिट्यूएंट की वजह से आ रहा है उसको क्या कहेंगे? ऑप्शन ए फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट, बी एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट, सी केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, डी थेरेपेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट। द राइट आंसर इज बी एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट। क्वेश्चन नंबर 107 है, IUCD इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग? इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस किसमें कॉन्ट्राइंडिकेटेड है? PID में, प्रेजेंस ऑफ फाइब्रॉइड में, डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग में। नीचे जो कोड दिए गए हैं उनको सेलेक्ट करना है आपको, तो राइट ऑप्शन बैठता है ऑप्शन डी जिसमें कहा गया है PID, प्रेजेंस ऑफ फाइब्रॉइड और DUB, तीनों में IUCD कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। क्वेश्चन नंबर 108 है, इन विच एफोरिज्म डॉक्टर हैनीमैन मेंशनड अबाउट लिटरेट प्रूवर? ए एफोरिज्म 129, बी एफोरिज्म 141, सी एफोरिज्म 139, डी एफोरिज्म 140। ये कहा गया है एफोरिज्म 139, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 109 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्शन शुड बी रिकॉर्डेड ड्यूरिंग प्रूविंग ऑफ नार्कोटिक सब्सटेंस? ए सेकेंडरी एक्शन, बी काउंटर एक्शन, सी प्राइमरी एक्शन, डी क्यूरेटिव एक्शन। तो एफोरिज्म 113 के हिसाब से हमें सेकेंडरी एक्शन ऑफ नार्कोटिक सब्सटेंस को रिकॉर्ड करना होता है ड्यूरिंग ड्रग प्रूविंग। क्वेश्चन नंबर 110, ड्रग एक्शन ऑन हेल्दी ह्यूमन बींग कैन बी एसर्टेन बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग? केमिकल एक्शन, मैकेनिकल एक्शन, डायनेमिक एक्शन। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। तो हमें तीनों एक्शंस को देखना होता है, ठीक है? तो ऑप्शन डी 1, 2, 3 ऑल आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 111, अकॉर्डिंग टू ओल्ड हैनीमैनियन मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ड्रग अल्कोहल इज यूज इन विच ऑफ द फॉलोइंग? 1 क्लास 4, 2 क्लास 2nd, 3rd क्लास 3rd। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। इसमें हम देखते हैं कि तीनों ही 1, 2, 3 तीनों ही ऑप्शंस ठीक हैं, मतलब ऑप्शन डी इज करेक्ट, क्योंकि 4th में, 2nd में और 3rd में सब में अल्कोहल यूज होता है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ड्रग। क्वेश्चन नंबर 112, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नोजोर्स? नोजोर्स मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था, जो डिजीज प्रोडक्ट से मेडिसिन बनती हैं उनको नोजोर्स कहते हैं। इनमें से नोजोर कौन कौन से हैं? बेसिलिनम, बॉटुलिनम, सिकल कॉर, ये तीनों नोजोर हैं, डिजीज प्रोडक्ट से बनते हैं, जबकि पेल्टोरी ऑक्सगोन से बनती है तो नोजोर नहीं। क्वेश्चन नंबर 113 है, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट? मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट का डिस्कशन हम फार्मेसी सीरीज के वीडियो में कर चुके हैं। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन हैं लेग डीफ्लोरेटम, 2 कोलेस्ट्रम, 3 लेग वेक्साइनम कोगुलेटम, 4 लेट्रोडक्टस मैक्टान। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। इसमें 1, 2, and 3 आर राइट, ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 114 सेज, नो वन कैन नो एवरीथिंग एंड दैट इज वाई इन ऑल ऑनेस्टी वन मस्ट एडमिट दैट नो कंसेंशियस होम्योपैथिक डॉक्टर कैन प्रैक्टिस होम्योपैथी इन अ सीरियस एंड रियली साइंटिफिक वे विदाउट रिपर्टरी। हु गिव दिस स्टेटमेंट? डॉक्टर पी स्किमिट। क्वेश्चन नंबर 115 सेज, कैलेंडुला ऑफिसिनेलिस इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम ए फ्रेश लीव्स एंड बेरीज, बी फ्लावरिंग स्टेम, सी फ्रेश फ्लावर्स, डी फ्रेश फ्लावरिंग टॉप एंड लीव। दिस वी हैव डिस्कस्ड इन आवर फार्मेसी वीडियो। क्वेश्चन नंबर 116, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द प्रॉपर्टीज ऑफ बीज वैक्स? 1 स्पेरिंगली सोल्यूबल इन कोल्ड अल्कोहल, 2 कम्प्लीटली सोल्यूबल इन ईथर, 3 कम्प्लीटली सोल्यूबल इन फिक्स्ड ऑयल। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। इसमें ये तीनों ही बातें सही हैं, ऑप्शन डी इज राइट।
क्वेश्चन नंबर 117, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मेथड ऑफ ड्रग स्टैंडर्डाइजेशन, माइक्रोस्कोपिक इवैल्यूएशन, फिजिकल इवैल्यूएशन, केमिकल इवैल्यूएशन। इसमें देखें तो तीनों ही मेथड जो है ड्रग स्टैंडर्डाइजेशन के लिए हैं, सो ऑप्शन डी इज राइट, 1, 2, 3 ऑल करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 118, विच पार्ट ऑफ द प्लांट इज यूज फॉर नक्स मोस्टाटा प्रिपरेशन, तो हेयर सीड्स आर यूज फॉर नक्स मोस्टाटा प्रिपरेशन, होल प्लांट, स्पोर, ड्राइड बार्क आर नॉट यूज, सो ऑप्शन डी इज राइट, दिस वी हैव डिस्कस ऑलरेडी इन फार्मेसी वीडियो। क्वेश्चन नंबर 119, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, वन हार्ड ग्लास पोटैश बॉटल्स विद ग्लास टॉपर्स आर यूज फॉर प्रिजर्विंग कोरोसिव सब्सटेंसेज सच एज एसिड्स और अल्कलीज, टू एक्टिनिक ग्लास बॉटल्स कलर्ड कवर्ड आउटसाइड विद अ सॉल्यूशन ऑफ एस्फेल्कम फॉर प्रिजर्विंग ड्रग्स विच मे बी अफेक्टेड बाय लाइट और सनलाइट, थर्ड गुट्टा पर्चा बॉटल्स आर यूज फॉर प्रिजर्विंग फ्लोरिक एसिड। ये तीनों स्टेटमेंट आप याद कर लीजिए, ये तीनों बातें सही हैं, ऑप्शन डी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 120, इन अ सस्पेक्टेड केस ऑफ प्रोस्टेटिक एनलार्जमेंट विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसीजर इज लाइकली टू कंफर्म द डायग्नोसिस, रेक्टल एग्जामिनेशन, यूरिनरी एग्जामिनेशन, मेजरिंग वाटर इनटेक और इन आउटपुट एंड डी अल्ट्रासोनोग्राफी, विच इज करेक्ट, सोनोग्राफी में प्रॉपर वेट आ जाता है प्रोस्टेट ग्लैंड का जिसे हमें पता चल जाता है कितना एनलार्जमेंट है। 121, द सोनोग्राफिक डायग्नोसिस ऑफ ओलिगोहाइड्रोमिनोस इज मेड व्हेन एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स इज लेस देन 5 सेंटीमीटर, बिटवीन 5 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर, बिटवीन 10 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर, मोर देन 15 सेंटीमीटर, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, लेस देन 5 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 122, अ ग्रेविड वुमेन डेवलप हाइपरटेंशन प्रोटीन यूरिया बिफोर 20th वीक इन केस ऑफ ए हाइड्रेटिफॉर्म मोल, बी थायराइड डिसऑर्डर, सी SLE, डी ट्यूबरक्लोसिस, द राइट आंसर इज ए हाइड्रेटिफॉर्म मोल। क्वेश्चन नंबर 123, इन केस ऑफ सिंगल अम्बिलिकल आर्टरी देयर आर इंक्रीज चांसेस ऑफ ए प्रीमैच्योरिटी ओनली, बी इंक्रीज पेरीनेटल मोर्टैलिटी ओनली, सी प्रीमैच्योरिटी एज वेल एज इंक्रीज पेरीनेटल मोर्टैलिटी, डी नीदर प्रीमैच्योरिटी नॉर इंक्रीज पेरीनेटल मोर्टैलिटी, राइट आंसर इज सी प्रीमैच्योरिटी एज वेल एज इंक्रीज पेरीनेटल मोर्टैलिटी। क्वेश्चन नंबर 124, द डेंजरस ड्रग एक्ट 1930 डील विथ ए एडिक्शन फॉर्मिंग ड्रग, बी पॉइजनस ड्रग, सी बैंड ड्रग फॉर प्रेग्नेंट वुमेन, डी प्री कैंसर ड्रग, द राइट आंसर इज ऑप्शन ए एडिक्शन फॉर्मिंग ड्रग्स। क्वेश्चन नंबर 125, निकोल्सकी साइन इज टेस्टेड फॉर एरिसिप्लास, पेम्फिकस वल्गैरिस, लेप्रोसी, अर्टिकेरिया, द राइट आंसर इज ऑप्शन बी पेम्फिकस वल्गैरिस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।